Hello, dear students. This is Rebecca Deel from RA Knowledge Spot. Uh, dear student, today we are going to start chapter number 7 of class 10th, and that is Introduction to Trigonometry. As you know, that trigonometry means uh, the measurement of triangle. Now, here in this exercise, that is 7.1, we are only going to do the important questions that are important for your exam papers, and uh, we are not going to do question number 1. We are directly on question number 2, and in this question, we are going to study sexagesimal system and uh, what is the sexagesimal uh, system first uh, you should know this is degree this is the symbol of degree minute and second we have to convert degree to minute and when we are going to go degree to minute we have to multiply with the number 60 and when minute to second again we have to multiply with sec, uh, 60 and when we are going to go oppositely like um, minute to degree we will divide with 60 and second to minute we will divide with 60 again now this is the symbol of degree this is the symbol of minute and this is the symbol of second if degree to minute will multiply with 60 again if minute to second again multiplying with 60 and when we are jump directly degree to second, we have to multiply 3600 just like 60 multiplied uh, with 60 will give you 3600. Now, just following this table or this chart, we have to solve this question. The very first question in which express sexagesimal measure of angle in decimal form. Now, this is the question sexagesimal means.

तो जब सिक्सटी से डिवाइड करेंगे सिंपली तो इसको इससे कटिंग कर दें और इन दोनों को डिवाइड कर दें आप और आपका आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव डिग्री ये देखिए आपके पास कैलकुलेटर होगा यानी यू जस्ट डिवाइड थर्टी डिवाइड बाय डायरेक्टली सिक्सटी से डिवाइड कर दें योर आंसर विल, विल बी जीरो पॉइंट फाइव फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री और हमने किस में कन्वर्ट करना था डेसिमल फॉर्म में सो दिस इज़ द डेसिमल फॉर्म और ये डिग्री इसके ऊपर ही रहेगा अब क्या करेंगे ये सिक्सटी डिग्री है इसको इट इज रहने दें हमने राइट right से लेफ्ट की तरफ मूव करना है और इनके साइन जो है इनको चेंज करना है कन्वर्ट करना है हमने मिनट से डिग्री में जाना है और सेकेंड से भी डिग्रीज में जाना है तो ये देखें अब ये यक के पास मिनट है इसको डिग्री में लेके जाएंगे मीन सिक्सटी से डिवाइड करेंगे उसके बाद ये थर्टी सेकेंड है ये सेकेंड का सिंबल है डबल जो प्राइम साइन आपको नज़र आ रहा है और इसको जब हमने डायरेक्ट डिग्री में लेके जाना है तो इस तरीके से जब हम यहाँ से यूँ करेंगे तो डिवीज़न करेंगे थ्री सिक्स डबल ज़ीरो के साथ ये हो गया अब इसको तो भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था थर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी आपके पास आया था ज़ीरो पॉइंट फाइव अब थर्टी डिवाइडेड बाय थ्री सिक्स डबल ज़ीरो आपका आंसर आया था अब आ, आप देखें आपके कैलकुलेटर पे यूँ ये नंबर आ रहा होगा और इसलिए आप अपने कैलकुलेटर को पहले कर लें फिक्स ये मैं आपके सामने इसको फ़िक्स कर रही हूँ फोर डिजिट तक कर लें तो आपका आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट डबल जीरो एट थ्री फिर आप इन सबको ऐड करें तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखें वन ट्वेंटी फाइव डिग्री ट्वेंटी टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है अब इसको भी सिक्स से डिवाइड करें और इसको थ्री सिक्स डबल जीरो से डिवाइड कर दें फिर आप इनको कैलकुलेटर की हेल्प से डिवीजन करेंगे और सबको प्लस कर दें और ये आपका आंसर डेसिमल में आएगा और आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे डिग्रीज लगा देंगे ओके okay. देन इसका जो क्वेश्चन नंबर टू है एक्सप्रेस इन डी एम एस मतलब सेक्सा डेसिमल मीन्स डिग्री मिनट एंड सेकेंड अब आपका जो क्वेश्चन है वो डिग्रीज में दिया गया और हमने ये पूरा सिस्टम लेकर के आना है एक दफ़ा डिग्री फिर मिनट और फिर सेकेंड हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर हो जैसे ये फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स लिखा हुआ है अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ देखिए फाइव पॉइंट सिक्स है हम इसे लिख सकते हैं फाइव प्लस जीरो पॉइंट सिक्स तो अगर ऐसा कोई नंबर है फोर्टी सेवन लिखेंगे प्लस इसकी जगह आप जीरो लिख दें पॉइंट थ्री सिक्स और ये डिग्री उसके ऊपर आ जाएगा मीन्स यह या डिग्री यानी कि अगर आप इनको दोबारा से कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी अब फोटी सेवन के ऊपर भी डिग्री आएगा और जीरो पॉइंट थ्री सिक्स के ऊपर भी डिग्री आ जाएगा फोर्टी सेवन डिग्री इट इज़ अब ये डिग्री है और डिग्री से हमने मिनट की तरफ जाना है तो ये देखें डिग्री से जब मिनट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और क्योंकि आपने इसको शिफ्ट कर दिया मिनट में तो उसके ऊपर सिंबल भी कौन सा आएगा मिनट का आएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा और इसके ऊपर आप, आप पूरी चीज़ का मिनट लगा देंगे ये प्लस आप साथ लगाते जाएंगे अब अगेन क्योंकि ये एक डेसिमल वैल्यू है इसको दोबारा से लिखेंगे ट्वेंटी वन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स यहाँ जितने भी नंबर उसकी जगह आप अकेला एक ज़ीरो ही लिखेंगे और अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे तो इन रिटर्न आपके पास यही वैल्यू आएगी ये मिनट इसके ऊपर भी आएगा क्योंकि ये होल ब्रैकेट के ऊपर है इसके ऊपर भी आएगा अब एक चीज़ तो हमें मिलगी डिग्री भी आ गई अगर इस इस पैटर्न को देखें तो पहले डिग्री है मिनट है फिर सेकंड है अब डिग्री भी आ गया और मिनट भी आ गया अब हमें सेकंड बनाना है और ये वैसे भी डेसिमल वैल्यू है हम जब तक काम करते रहेंगे जब तक हमारा ये पॉइंट ना ख़त्म हो जाए यहाँ कह सकते हैं डेसिमल वैल्यू ना ख़त्म हो जाए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से सिक्सटी से और इसके ऊपर क्या लगा देंगे डबल जो इस सेकेंड का साइन है फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फौरी तौर पे बाय एंड ऑफ द स्टेप हम इसके ये जो प्लस का साइन है ख़त्म कर देंगे और ये हमारा इसके पास क्या है आंसर है सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वन डिग्री है इसको अगर आप एडअप करते हैं तो ये चीज़ आएगी अब ये डिग्री इस पर अलग है इस पर अलग है अब जीरो पॉइंट फाइव को मिनट में लेके जाना है तो डिग्री से जब मिनट में आते हैं यहाँ पर डिग्री से मिनट में तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या करते हैं डिग्री से मिनट में आएंगे तो क्या करेंगे सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ये ट्वेंटी सेवन आ जाएगा अब अगर गौर से देखें इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस जो है जब हमने यहाँ पर ये यह स्टेप किया था तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रही थी जबकि अब ये डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही तो ये सिंपल हमें यही वैल्यू चाहिए होती है और यहीं पर हम क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे और ये मिनट आ जाएगा हमारे पास जो सिस्टम रिक्वायर होता है वो डिग्री मिनट और सेकेंड होता है यहाँ पर कोई सेकेंड की वैल्यू नहीं है हम यहाँ जीरो के ऊपर क्या लगा देते हैं डबल डैश या सेकेंड इसको ये शो कर देते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ओके okay, यहाँ पर हमारा है इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये टू टू फाइव पॉइंट सेवन फाइव डिग्री दोबारा से टू टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव है उसके बाद क्या करेंगे इस दोनों पर बारी बारी डिग्री आएगा डिग्री से मिनट में जा रहे हैं सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट इसके ऊपर आ गया इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी फाइव अगेन एक डेसिमल वैल्यू नहीं है बल्कि एक होल नंबर है हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर ज़ीरो शो कर देंगे बिकॉज़ हमें वो पूरा सिस्टम चाहिए नंबर फोर देखें ये माइनस है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा बस माइनस साथ चलता जाएगा ट्वेंटी टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव ये डिग्री आ गया अब दोनों पर सेपरेट डिग्री लगा दें इसको मिनट में लेके जाएंगे सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दें थर्टी आएगा और ये इसका फाइनल आंसर है इसका प्लस आपने आखिरी स्टेप में इसका प्लस जो है वो रिमूव कर देना है नंबर फाइव पार्ट देखें ये फिर माइनस सात चलता जाएगा इसीलिए ब्रैकेट लगाई हुई है एंड तक सिक्सटी सेवन प्लस जीरो पॉइंट फाइव एट इसको फिर आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी से क्योंकि हमने इसको मिनट में लेके जाना है मैं दोबारा से सिस्टम बनाती हुई देखिए डिग्री मिनट और सेकेंड ये हम यहाँ से यूँ जा रहे हैं मल्टीप्लाईड बाय सिक्सटी फिर मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी अब दोबारा ये डेसिमल वैल्यू आ गई है अब हम इसको फिर से लिखेंगे जैसे ये डेसिमल वैल्यू थर्टी फोर प्लस जीरो पॉइंट एट इस पर भी मिनट इस पर भी मिनट ये सिस्टम ठीक है इसको सेकेंड में लेके जाना है फिर से सिक्सटी में मल्टीप्लाई करें तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया अगेन ये क्वेश्चन देखें ये फिर इसको लिखेंगे जीरो पॉइंट वन एट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये आया फिर ये डेसिमल है फिर इसको सेपरेट किया फिर सिक्स से मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया दैट इज़ इन प्रॉपर फॉर्म डिग्री मिनट एंड सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रे इन टू रेडियंस में हमने इसको एक्सप्रेस करना है अच्छा पहले मैं आपको बताऊँगी रेडियंस क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो सिस्टम हैं Uh, आप अपने लोअर ग्रेड्स में एक यूनिट यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं डिग्री ठीक है एंगल मेजर करने के लिए डिग्री का यूज़ करते थे अब टेंथ क्लास में एक और आपके पास यूनिट आए दैट इज़ रेडियंस जो कि पायज में आप बोलेंगे पाई रेडियंस होता है और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं डिग्री और दूसरा यूनिट है रेडियंस ये एक रिलेशन आपके सामने नज़र आ रहा होगा टू पाई रेडियन इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री उसके बाद टू मल्टीप्लायर है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो डिवीजन के बाद आपके पास वन एटी डिग्री आएगा अब अगर देखें गौर से तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं वन एटी मल्टीप्लाइड बाई वन डिग्री वन एटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही आएगा डिग्री को हमने सेपरेट कर दिया अब वन एटी यहाँ पर मल्टीप्लायर है यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड तो अगर देखा जाए तो हमें वन डिग्री की वैल्यू मिल गई है या इसको हम ये कहते हैं कि एक रिलेशन है दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज़ एंड रेडियन ये डिग्री और रेडियन का आपके पास क्या है रिलेशन आ रहा है क्वेश्चन आपको पास रिक्वायर है ये क्वेश्चन नंबर थ्री है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है रेडियंस में जबकि क्वेश्चन आपके पास डिग्रीज में दिया और आपने इसको रेडियंस की फॉर्म में लेके जाना है इसके दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट में आप हैं दूसरे यूनिट में आपने जाना है जैसे लोअर ग्रेड्स में अगर आपके पास क्वेश्चन हो मीटर में जैसे ये टू मीटर है और इसको सेंटीमीटर में लेके जाना है तो ये क्या होगा टू हंड्रेड सेंटीमीटर इसी तरह से थर्टी है वन डिग्री को अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो अब हमें पता है कि यहाँ से वन डिग्री की वैल्यू आप निकालेंगे तो पाई बाय वन एटी रेडियन लगा देंगे अब आपने कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए जीरो जीरो से कैंसिल है थ्री वन ज़ार थ्री थ्री सिक्स ज़ार एटीन और ये इसका आंसर है इसका पाई रेडियन में ही रहना चाहिए क्योंकि रेडियंस इसी तरीके से फॉर्म मतलब तो पाई की फॉर्म में आंसर आएगा अब सिक्सटी डिग्री है सिक्सटी को ऐसे रहने दें अगेन वन डिग्री को सेपरेट कर दें वन डिग्री की यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ लिखी जीरो जीरो से कैंसिल सिक्स वन जर सिक्स और सिक्स थ्री ज़ार एटीन पाई बाई थ्री रेडियन आंसर आ गया अगेन यही स्टेप करेंगे अब इनकी कैंसिलेशन की है आप देखें इसकी कैंसलेशन डायरेक्ट आपने क्या लिखना है वन थर्टी फाइव डिवाइड बाय वन थर्टी फाइव डिवाइड बाई वन एटी ओके यहाँ पर वैसे अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेटर है तो आपका जो कैलकुलेटर है वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा दैट इज़ वन थर्टी फाइव 180 वन एटी तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेटर है ये देखें करने के बाद फर्स्ट करेंगे जब आपका आंसर है वन थर्टी बाय वन एटी आप ये बटन प्रेस करेंगे बाद में ये करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से ठीक है अच्छा ये वन थर्टी है दैट इज़ वन थर्टी फाइव मीन्स वन थर्टी फाइव बाई वन एटी और बाद में इसको प्रेस करेंगे ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा ये आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू तो ये थ्री बाई फोर इसका आंसर आएगा पाई एज़ इट इज़ आ जाएगा नेक्स्ट देखें ये टू टू फाइव है पाई बाय वन एटी यहाँ पर अगेन मैं आपको एक दफ़ा डिवाइड करके दिखाती हूँ टू टू फाइव डिवाइड बाई वन एटी ये आंसर है फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका आंसर आ रहा है अब ये कैसे है? इसको लिखना कैसे जबकि अगर तो आपके पास वो जो ब्लू से कलर का कैलकुलेटर जिसके पास डबल नाइन आई ई एस सी अगर वो है वो तो डायरेक्ट आपको आंसर देगा लेकिन अगर आपको ये आंसर मिलता है तो इसको कैसे आपने इस फॉर्म में लिखना एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है ये देखें वन होल वन बाई फोर ये देखें पहले वन लिखें फिर ये वन है फिर ये फोर है अब इसको सॉल्व करें फोर वन सा फोर प्लस फाइव बाय फोर और ये पाई एज इट इज़ आ गया ठीक है नेक्स्ट देखें ये क्वेश्चन है ये माइनस है पहला स्टेप हमने वही किया अब वन फिफ्टी डिवाइड बाई वन एटी वन फाइव ज़ीरो डिवाइड बाई वन एट ज़ीरो आंसर आ गया इसको आप प्रेस करें तो ये आपके पास क्या आ गया फाइव बाय सिक्स ये सिक्स है यहाँ पर ठीक है फाइव बाय सिक्स और साथ पाई रेडियंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टू टू फाइव अगेन वही स्टेप किया अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप लिखेंगे टू टू फाइव टू टू फाइव बाय वन एट ज़ीरो तो ये आ गया वन पॉइंट टू फाइव इसको प्रेस करेंगे तो वन होल वन बाय फोर वन वन एंड फोर फोर वन जो फोर प्लस फाइव फाइव बाई फोर ये रेडियन साथ वैसे ही आ गया ओके हमने रेडियंस में आंसर लेकर के आना है फिर थ्री हंड्रेड बाई वन एटी फिर देखें थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन एटी और इसको प्रेस करेंगे तो यह वन होल टू बाई थ्री थ्री वन ज थ्री प्लस टू फाइव 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 बाई थ्री ये इसका लास्ट है थ्री वन फाइव और थ्री वन फाइव आप लिखेंगे थ्री वन फाइव थ्री वन फाइव डिवाइडेड बाय वन एट ज़ीरो वन पॉइंट सेवन फाइव आप इसको प्रेस करें तो येगा वन थ्री फोर देगा फोर वन ज फोर प्लस थ्री सेवन सेवन पाव बाय फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका बस इसमें इतना था आपने ये आपके पास रेडियंस में है रेडियंस में ले कर के जाना है आपने इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका कन्वर्ट टू डिग्रीज अब ये उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है ये आपके पास रेडियंस में गिवन है और आपने इसको डिग्रीज में लेके जाना है तो ये थ्री पाई बाई फोर रेडियन है अब इसको अलग, अलग से हम लिख सकते हैं थ्री पाए बाय फोर डॉट वन रेडियन वन रेडियन अब यहाँ से देखें अगेन वही सिस्टम टू पाए रेडियन बराबर है थ्री सिक्सटी डिग्री के टू वहाँ से मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड होगा वन एटी आएगा पाए को हम यू लिख सकते हैं पाए वनज़ आर पाए मीन्स वन रेडियस को सेपरेट कर दिया यहाँ से वन रेडियन एज इट इज़ आ जाएगा पाए मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड होगा इस इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे थ्री पाए बाय फोर ऐसे लिख देंगे ये वन रेडियन है तो वन रेडियन की वैल्यू वन एटी बाय पाए है अब देखेंगे ये पाए से कैंसिल हो गया सिंपल पाए की पाई से कैंसिलेशन करेंगे और इसको आप वन एटी मल्टीप्लाइड बाई थ्री फाइव फोर्टी डिवाइड बाय फोर येगा वन थर्टी फाइव और ऊपर क्या लगा देंगे डिग्री क्योंकि हमें डिग्रीज़ में आंसर चाहिए नेक्स्ट देखिए सेम वन एटी बाय पाए सात डिग्री लिख दें बार बार मैंने लिखा नहीं आप डिग्रीज लिख दें या डायरेक्ट आंसर में जाके डिग्री लिख दें पाई पाई से कैंसिल वन को फाइव से मल्टीप्लैक करें डिवाइड कर, कर दें ये सारे क्वेश्चन ऐसे चलते जा रहे हैं सब ये यहाँ तक सब सेम क्वेश्चन है अगर कोई माइनस है तो साथ माइनस लगा दें नेक्स्ट देखें यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है अब मैं आपके लिए तैयार करती हूँ द नेक्स्ट वीडियो वे गोइंग टू प्रिपेयर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज सेवन पॉइंट टू और यहाँ का सबसे जो मेन रूल है आपने इसको मेमोराइज़ करना है इसके बगैर आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते आपने सबसे पहले इस चीज़ को मेमोराइज़ करना है ओके डियर स्टूडेंट आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो